नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है, जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास टेंथ के मैथ की, वही सीरीज जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए, अगला क्वेश्चन, कल हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। कोई बच्चा अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो आप जो है कमेंट बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन, तो मैं उसको एक बार फिर से बता दूंगा। आज मैं उसके आगे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में आज हम 11 से लेकर के लमसम 16-17 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आगे देखिए क्या कहना है। कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसका 54वां पद कौन सा है। तो जब 54वां पद मिल जाएगा हमको तो उसमें 32 जोड़ देंगे, फिर ये देखेंगे कि वो जो पद आया वो पद इस श्रेणी का कौन सा पद है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा है कि कोई भी श्रेणी अगर दी गई है तो उसमें आप दो चीज ढूंढने का प्रयास करिए। सबसे पहला प्रयास करिए कि आपको ए का मान मिल जाए और दूसरा प्रयास करिए कि आपको डी का मान मिल जाए। तो देखिए, ए का मान हमको मिलता है कितना, 3। ए का मान हमको 3 मिल गया और डी का मान निकालने के लिए हम ये दूसरे पद में से पहला पद अगर घटा देंगे तो हमको डी का मान मिल जाएगा, यानी कि 15 - 3 = 12। ए का मान आ गया 3, डी का मान आ गया 12। कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले आप 54वां पद निकालेंगे। तो 54वां पद के लिए t 54 = a+, जब यहां 54 है तो यहां 54 - 1 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा सूत्र। बराबर है बराबर, अगर इस सूत्र में कहीं समस्या हो तो आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, यहीं पर देखेंगे तो यहीं पर आई बटन बनी हुई है, ठीक, वहां पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ए। ए का मान है 3 प्लस 54 - 1 यानी कि 53 इंटू डी, डी का मान है 12। तो बराबर 3 + 12 यानी 36 के 6 हंसे लगे 3 और 12 × 5 = 60, 3 = 63। तो ये आ जाएगा 639, यानी कि हमारा जो 54वां पद हो गया, 54वां पद हमारा आ गया कितना, 639। अब देखिए कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेंगे कि मान लीजिए यनवा पद हमारा 54वें पद से कितना हो, 132 अधिक हो, यानी कि हम मान लेंगे कि माना यनवा पद यानी कि tn ये हमारा 54वें पद से, 54वां पद इतना है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसको करिए तो 9 × 2 = 11 हंसे लगे 3 × 1 = 3 7 × 6 = 7। तो यानी कि यनवा पद हम मान लिए कि मान लीजिए यनवा पद हमारा कितना है, 771 है। तो जब यनवा पद 771 है तो tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो tn का मान आ गया 771 बराबर a, a का मान कितना है 3 प्लस n का मान हमको निकालना है कौन सा पद। तो कौन सा पद मतलब कौन सा, तो कौन सा अगर आ जाए तो जान लीजिए हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो n माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान कितना है 12। तो यह 771, ये प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। या फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 768, भाई 3 घटा लेंगे तो 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। तो यहां से जब हम n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो 768/12, तो यह 12 × 6 = 72, 72 और 4 = 76 और 12 × 6 = 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 64,
तो यंग बराबर आ जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब कि श्रेणी का जो 65वां पद है, 65वां कहना कौन सा पद, तो 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहीं समस्या हो तो कमेंट करिएगा, एक बार वीडियो इसको बैक करके देख लीजिए और जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए लिखा है दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, तो सर्वांतर समान है मतलब दो श्रेणी दी गई है, एक श्रेणी ये दी गई है, एक श्रेणी ये दी गई है, दोनों में सर्वांतर समान है अर्थात D1 बराबर D2। तो जब सर्वांतर समान है तो इसको हम मान ले रहे हैं कि सर्वांतर क्या है, डी है। कह रहा है कि तथा इनके सौवें पद का अंतर 100 है, मतलब इसका हम 100वां पद निकाल लिए और इसका हम 100वां पद निकाल लिए और दोनों का जब हम अंतर किए तो हमको मिलता है कितना, 100। यानी कि जब हम पहली श्रेणी का 100वां पद निकाले तो हम यहां पे 1 लिख दे रहे हैं, मतलब पहली श्रेणी का फर्स्ट T100 माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, जब दोनों का हम अंतर किए मतलब दोनों को जब हम घटाए तो हमको मिला कितना, 100 मिल गया। क्या मिल गया, 100 मिल गया। तो चलिए हमको क्या निकालना है, इसके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो हमने कहा कि कोई भी चीज हो, कोई भी श्रेणी हो, अगर आपको ए का मान पता चल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो हमको यहाँ बी का मान तो दिए हैं लेकिन ए का मान नहीं दिए, तो पहले ए का मान निकालेंगे। तो देखिए T100 का मतलब क्या होगा, बताइए, ए प्लस, तो जो कि पहली श्रेणी है इसलिए ए की जगह पे हम A1 लिखेंगे, तो A1 प्लस यंग माइनस 1 इंटू D1 और माइनस A2 प्लस यंग माइनस 1 इंटू D2, ये बराबर कितना है, 100। फिर आगे देखिए A1 का मान हमको नहीं दिया गया है, प्लस यंग का मान दिया गया है 100, तो 100 माइनस 1 इंटू D1 का मान कितना है, D, तो D माइनस A2 नहीं दिया गया। फिर देखिए ये चूंकि ब्रेकेट है और माइनस को ब्रेकेट के अंदर ले जा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यंग यानी कि 100 माइनस 1 इंटू D2 और D2 का मान भी क्या है, D है, ये बराबर कितने की है, बराबर 100 के। देखिए यही चीज हमारा यहाँ प्लस में है और यही चीज हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो ये प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गया। ठीक, A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गया, इसको यहीं पे रोक दीजिए। अब आगे चलिए क्या कह रहा है, क्या निकालना है, कह रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं T1, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D1, तो D1 करेंगे तो चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D है, तो जहां मैं D1 बोलूंगा वहां भी D लिखूंगा, जहां D2 बोलूंगा वहां भी D लिखूंगा, तो ये D हो गया माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2, तो यहां भी मैंने D2 बोला लेकिन लिखूंगा क्या, D, तो बराबर A1 प्लस 1000, 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 D माइनस A2, तो A2 और ये प्लस माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 999 D। तो अब फिर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 का मान कितना है, 100 है, यानी कि बराबर 100, यही आ जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ
कि श्रेणी के 1000वें पदों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 100 होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई दो श्रेणी समांतर श्रेणी है और उसका सर्वांतर समान है तो उसके किसी भी पद का अंतर जो होगा, उसके चाहे जो पद का अंतर निकाले हम समान होगा। मतलब कि अगर किसी दो श्रेणी है और उसका सर्वांतर समान है, उसके 10वें पदों का अंतर 50 है तो उसके 100वें पदों का अंतर भी 50 होगा, उसके 500वें पदों का अंतर भी मतलब 50 ही होगा। ठीक, तो ये चीज है, कहीं समस्या हो बताइएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो हमको पता है कि 3 अंकों की अगर संख्या देखें तो हम देखेंगे कि ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि 1000 से लेकर के 999 तक का जो पद होगा वो हमारा क्या होगा, 3 अंकों वाला होगा। एक मिनट रुक जाइएगा। 3 अंकों मतलब क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 100 से लेकर के 100, 101, 102, डाटा 999। तो ये 3 अंकों की हमारी संख्या है, 3 अंकों की संख्या है और इसमें कह रहे कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो पहले आप ये पता कीजिए कि पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए 7 से विभाज्य करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि 100 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 100 से 7 से भाग देंगे तो 7 इकनम 7, 3 10 और 30। इसका मतलब कि 7 से ये कब कटेगा, 7 5 35। अगर यहाँ 35 होता अर्थात 0 की जगह पे 5 होता तो हमारी संख्या 7 से कट जाती। इसका मतलब कि 105 हमारा 7 से कट जाएगा, 105 7 से कट जाएगा। 105 के बाद अगला कौन सा 7 से कटेगा, इसी में 7 जोड़ दीजिए तो 112 हमारा 7 से कट जाएगा। फिर अगला कौन 7 से कटेगा, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 119 हमारा 7 से कट जाएगा। अगला कौन कटेगा, फिर 7 जोड़ दीजिए, इसी तरह 7 7 जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में हमारा कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी। तो देखिए 999 को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 इकनम 7, 2 9 29, 7 4 28, 1 29 और 9, यानी कि 7 2 14। अर्थात यहां 9 की जगह पे अगर 4 होता, 9 की जगह पे 4 होता तो हमारा 7 से कट जाता। इसका मतलब कि 9 9 4, 994 आखिरी संख्या होगी जो 4 से 7 से कटेगी। तो हमको यही याद करना है कि कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी। तो 105 से लेकर के 994 तक की संख्या जो है 7 से कटेगी। तो हमको यही पदों की संख्या याद करना है कि 105 से 994 के बीच में कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है हमको। ए बराबर दिया गया है 105, बी का मान दिया गया है 7, क्योंकि 7 से कटना है इसीलिए डी का मान 7 है, और आखिरी पद यानी कि TN बराबर हमको दिया गया है 994। तो N का मान हमको निकालना है। तो चूंकि जानते हैं कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो TN बराबर है 994, A का मान है 105 और प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। तो 994 माइनस, या फिर घटाएंगे तो 14, 9 5 14 8 और 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो यहां से हम n माइनस 1 का मान निकालेंगे। तो देखिए 7 इकनम 7, 1 8 18, 7 2 14 4 18 और 7 7 49, या फिर n बराबर 127 प्लस 1 यानी कि 128। इसका मतलब कि 103 पदों की संख्या में 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक, कितने, 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। कहीं समस्या हो बताइएगा, एक बार बैठ करके फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच
चार के गुणज कितने हैं, उसी तरह जैसे अभी मैंने बताया इसी तरह ये भी है। तो देखिए 10 और 250 तो 10 और 250 के बीच में चार के कितने गुणज हैं? तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो चार से कटेगी? तो चार 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 दुनिया चार तीन 12, यानी कि 12 हमारा चार से कटेगा। 12 के बाद क्या कटेगा, इसी में चार जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा 16, फिर 20, इसी तरह डाटा आखिरी में 250 है। तो चूंकि देखिए कि 250 चार से कटता है कि नहीं, तो 4 6 24 1 25, 10 4 2 8 2 10, यानी कि इसमें से अगर 2 कम होता, यानी कि 0 की जगह पे 8 होता तो हमारा 4 से कट जाता। तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 2 4 8, 248 हमारा 4 से कट जाएगा। तो देख लीजिए a बराबर 12, b बराबर 4 और tn बराबर 248, इसमें हमको n का मान निकालना है। सूत्र हमको पता है क्या, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में मान रखेंगे और मान रख के n का मान निकालना है। इसका आंसर निकाल करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है n के किस मान के लिए श्रेणी इतने और इतने के यनवे पद बराबर होंगे। तो चलिए दो श्रेणी दी गई है 63 65 67 डाट, एक श्रेणी ये दी गई है आपको, दूसरी श्रेणी दी गई है 3 10 17 डाट। कह रहा है n के किस मान के लिए इसके यनवे पद बराबर होंगे, अर्थात इस श्रेणी का यनवा पद और इस श्रेणी का यनवा पद बराबर होगा, तो यन का मान क्या है? तो चूंकि देखिए अगर हम इस श्रेणी के लिए देखें तो a का मान 63 है, d का मान 2, 65 माइनस 63 यानी कि 2। उसी तरह अगर हम इसके लिए देखें तो a का मान 3 है और d का मान 10 माइनस 3 यानी कि 7। हमको ये पता करना है, दिया गया है 1tn बराबर 2tn, मतलब पहली श्रेणी का यनवा पद दूसरी श्रेणी के यनवे पद के बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो 1 रहेगा, फिर इसी तरह a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 हो जाएगा। a1 दिए हैं हमको, ये a1 d1 है और ये a2 d2 है, इसी में मान रख के हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक, इसी में मान रख के हमको n का मान निकालना है। a1 दिए हैं, a2 दिए हैं, d2 दिए हैं, a1 दिए हैं, d1 दिए हैं, तो इसको आप हल करके, ठीक, इसको हल करके इसका मान निकालिएगा और हमें बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपको होमवर्क दिए हैं, इसको आप बताइएगा। 16 नंबर कह रहा है कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए तीसरा पद 16 है, T3 बराबर 16, और कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए हल कर लीजिए पहले। तो अगर हमको दिए हैं तीसरा पद 16 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 3 माइनस 1 बराबर इंटू डी बराबर 16, या फिर a प्लस 2 डी बराबर 16, समीकरण एक। फिर कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, तो यहां पे जब हम करेंगे तो सातवां पद क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 6d, मतलब 7 माइनस 1 यानी कि 6d बराबर a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d और प्लस 12। तो यहां से जब हम करेंगे तो a से a हमारा कट जाएगा, 6d और ये प्लस 4d इधर आएगा, माइनस 4d बराबर 12, तो 4 2 6 यानी 2d बराबर 12, तो d बराबर 2 6 12, d का मान 6 आ गया। अब इसको उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए आप और चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो चलिए हम 1 में रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान 6 है बराबर 16,
तो a प्लस दो छम 12 बराबर 16, तो a बराबर 4। a का मान 4 आ गया, d का मान 6 आ गया। तो अगर श्रेणी निकालेंगे तो चूंकि जानते हैं पहला पद 4, इसमें d जोड़ देंगे तो दूसरा पद, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो तीसरा पद, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो चौथा पद, तो डाल ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो कहीं अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हम 16 क्वेश्चन तक आज डिस्कस कर लिए हैं, कल हम लोग 17, 18, 19, 20 आगे, इसके आगे जो है हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।